इस खबर के सह प्रायोजक है पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय पनारी रोड ललितपुर। दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जनचुनगी। आज ललितपुर मुख्यालय कचहरी में जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। उन्होंने न्यायिक कामों से विरक्त हो चुके हैं और वह न्यायिक भवन के सामने हड़ताल कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनकी मांग जिला जो हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने और पदाधिकारियों ने एक दिन की हड़ताल को घोषित किया और नारेबाजी की है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विरुद्ध उनका नाराजगी है। उन्होंने बताया है कि जो लखनऊ में वकीलों के साथ जो अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, वह उसके विरुद्ध है। और पूर्व में भी उनकी अनेकों मांगें चल रही हैं। इन सब मांगों को लेकर उनका आज एक दिवसीय हड़ताल है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट। अधिवक्ताओं के ऊपर लगातार हो रही आपराधिक हमले से क्षुब्ध होकर हम लोग हड़ताल पर हैं। कल लखनऊ में एक जो अधिवक्ता परिसर में, कचहरी परिसर में जो बमकांड हुआ, उसमें कुछ अधिवक्ता हमारे जो है जख्मी हुए, इसका विरोध भी है। साथ ही साथ जो है अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लाए जाने के लिए भी जो है हमारी लगातार मांग चल रही है। और इस पर ना ही उत्तर प्रदेश सरकार और ना ही जो है केंद्र सरकार इस पर कोई ध्यान दे रही है। इसके विरोध में हम जो है विरोध दिवस के रूप में आज मना रहे हैं और न्यायिक कार्य से व्रत हैं।